नाउ वी विल सी दर्स्पेक्टिव पेरेंट्स एंड टीचर्स टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन अर्ली ईयर क्लासरूम भाई हमारे पेरेंट्स और टीचर्स क्या सोचते हैं कि अगर हम ई सी ई में आई सी टी को इंटीग्रेट करें तो क्यों करें सो so एक तो वो कहते हैं कि ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स हैं इस सदी के अंदर बगैर टेक्नोलॉजी के कुछ भी मुमकिन नहीं सो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम बिकॉज दिस जनरेशन नॉट फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर तो बच्चे तो आपके फ्यूचर हैं आज जो बच्चा पाँच साल का है पचास साल के बाद वो एक फुल एडल्ट होगा फिफ्टी फाइव ईयर्स तो देखिए पचास साल बहुत साल तब तक जाने दुनिया कहाँ चली जाएगी आज अगर उसकी इब्तदा की जाएगी उसको इन उलूम के बारे में बताया जाएगा इन टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा तो वो साथ साथ एक अवेयरनेस का सिलसिला चलता रहेगा तो हमें अपने बच्चों को हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार करना होता है आज के लिए नहीं टेक्नोलॉजी टेक्निक देखिए किताबों का दौर जल्दी खत्म हो रहा है अब बच्चे किताबें नहीं रखते अब आपके पी डी एफ्स हैं बुक्स हैं आपकी ई बुक्स हैं आपकी सारा मटीरियल तो इंटरनेट के ऊपर आ गया तो बच्चे अब पढ़ते जरूर हैं पर किताब से नहीं पढ़ते वो इंटरनेट से पढ़ते हैं जब बड़े भी इंटरनेट से इस्ता कर रहे हैं तो वो क्यों पीछे रहेंगे वो भी कंप्यूटर से ही इस्ता कर रहे हैं तो एक वक्त आने वाला है जो कि सारी किताबें आपकी कंप्यूटर के अंदर ही होंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को पेपर रीडिंग की तरफ मायल करना सो स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड टू रीडिंग अब ये भी देखिए कि बज़ाहिर हमें लगता है कि हमारे बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब है वो रीडिंग नहीं कर रहे पर दर हकीकत जितना वो वर्ड्स के साथ रिटन वर्ड्स के साथ अब अटैच हैं पहले कभी नहीं थे देखिए जो आपकी हार्ड किताब है उसको तो पकड़ना पड़ता है कहीं लाइब्रेरी से निकालें बैग से निकालें सामने रखें लेकिन जब आप टैब्स की और सेल फोन्स की और कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिटन मटेरियल उसके ऊपर मौजूद है कुछ ना कुछ उनको पढ़ना ही पड़ जाता है तो अब वो मैसेजेस कर रहे हैं वापस कर रहे हैं मैसेजेस को तो इससे ये हो रहा है कि वो सारा वक्त कुछ ना कुछ लिखने में देखने में पढ़ने में मसरूफ़ हैं। तो मजमू तौर पर उनका रीडिंग टाइम पहले से इस हिसाब से ज़्यादा है वो जो हमारी हार्ड बुक है उसके साथ वो चीज़ वो अटैचमेंट नहीं है लेकिन रीडिंग वो कर रहे हैं सो पेरेंट्स बिलीव द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ए कम्यूनिकेशन फोरम थ्रू विजुअलाइजेशन टू लर्न डिफरेंशियल अब देखिए एक बात ये भी है कि सब पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरा बच्चा शायद दूसरों से आगे है या दूसरों से पीछे है या जो भी तो वो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अगर डिफरेंटली सीखेगा उसके अपने मतलब की कुछ चीज़ें होंगी उसके अपने पेस के मुताबिक तो टेक्नोलॉजी इसमें उसकी मदद कर सकती है मतलब एक बच्चा कोई गेम खेल रहा है कोई एजुकेशनल गेम है वो उसके 400 लेवल तय कर गया है दूसरा सिर्फ चार तक पहुंचा है तो इख्तलाफ तो है फ़र्क तो है उन दोनों के अंदर तो अब ये है कि टेक्नोलॉजी इस बात में हमारी मदद करती है क्योंकि क्लासरूम में या कहीं और हम उनको एक मजमू इनपुट दे सकते हैं अकेले अकेले या इंडिविजुअली हम उनको केटर नहीं कर सकते पर टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद करती है कि हम उनको इंडिविजुअली केटर करें सो सपोर्टिंग स्टूडेंट्स कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट देखिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बेहतर करती हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया सिचुएशन को फ़ौरी तौर पर समझना होलिस्टिकली उसको देखना फिर उसके ऊपर डिसीशन मेकिंग करना फिर फौरी तौर पर रद्दमल देना हाथों की उंगलियों को इस्तेमाल करना कि अच्छा यहाँ ये यह करना और तो और सिर्फ वो नीड फॉर स्पीड में अगर आप देखें जो बहुत छोटा बच्चा भी खेलता है तो वो राइट right और लेफ्ट के बटन को कितनी तेज़ी के साथ मूव कर रहा होता है कि मेरी गाड़ी जो है वो टकरा ना जाए तो वो जो स्पीड है गाड़ी जितनी उसकी मेंटल स्पीड उसमें इन्वॉल्व है उस स्पीड के हिसाब से और गाड़ी जितनी तेज होगी उतनी मेंटल स्पीड उसमें इन्वॉल्व होगी तो कॉग्नेटिव ग्रोथ तो इसमें है ये अलग बात है कि जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ओवरवेलमिंगली हम अपने ब्रेन को इतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं कर सकते लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करते हैं तो किसी न किसी हद तक आपकी स्पीड बढ़ती है सो रोल ऑफ अ स्कूल इन प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग इन अर्ली ईयर क्लास रूम तो अब जाहिर है जितने भी वालदे हैं सबकी ख्वाहिश है कि स्कूल भी उनको सिखाए कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है टीचर उनको बताए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से बेहतर नॉलेज मिल सकता है टीचर्स उनको सिखाएँ कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कॉन्सेप्ट साइंस के मैथ के लैंग्वेज के सोशल स्टडीज़ के कैसे सीख सकते हैं और फिर उनसे प्रोनंसिएशन कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं कम्युनिकेट कैसे मशीन्स के साथ कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि क्लास के अंदर मौजूद हों सो टेक्नोलॉजी एज फैसिलिटेटिंग लर्निंग लिहाजा मजमूरी तौर पर टेक्नोलॉजी का काम लर्निंग को ही फैसिलिटेट करना है ना कि हिंडर करना सो so, इसके लिए एक मजमू तौर पर निज़ाम होना चाहिए ये चूंकि हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश है तो स्कूलों को उस उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को इक्विप करना है और अपने आप को फैसिलिटेट करना है कुछ ऐसी चीज़ें ला के टीचर्स की महारत के साथ इक्विपमेंट के साथ ताकि ये सारे मकासद जो या जो एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स की वो पूरी हो सके